एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी से रिलेटेड, जो कि है मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। उसमें मैंने आपको एक्सकवेशन हैजार्ड्स एंड प्रकॉशंस बताया था, ठीक है। तो अब ये क्या है, एक्सकवेशन हैजार्ड्स और प्रकॉशन तो हमने जान लिया, पर हम प्रकॉशन कब देंगे, जब हम इंस्पेक्शन करेंगे। जब हम इंस्पेक्शन करेंगे तभी हमको पता चल पाएगा कि वहाँ क्या क्या हैजार्ड्स हो सकते हैं। जब तक हम इंस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं तब तक हम पता ही नहीं लगा पाएंगे कि वहाँ क्या क्या हैजार्ड्स हैं, ठीक है। तो इंस्पेक्शन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इंस्पेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, देखिए इंस्पेक्शन के अंदर आपको क्या करना है, एटलीस्ट आपको वंस इन अ डे इंस्पेक्शन करना है कि जो भी प्रोग्राम जो बनाया गया है एक्सकवेशन के लिए, जो वर्क चल रहा है एक्सकवेशन में, क्या वो ठीक से प्रोसेस हो रही है या नहीं उसके लिए, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे क्या काम वहाँ चल रहा है। इंस्पेक्शन करना और रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि इन केस अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो आपको पता लग पाए कि किस रीज़न से हुआ, ठीक है। क्योंकि आप तो वहाँ सारी चीज़ें चेक कर चुके थे, फिर एक्सीडेंट क्यों हुआ, तो ये सारी रिपोर्ट आपके पास फिर वेल मेंटेन रहेगी। तो जो भी आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड कीपिंग करना है, ठीक है। फिर इंस्पेक्शन करना एक तो इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमें सारी चीज़ों के बारे में पता लग जाए कि वहाँ क्या क्या हैजार्ड है उस जगह पे, किस तरीके के हैजार्ड्स हम देखने को मिल सकते हैं, और हमारे मतलब जो भी हमने वर्किंग प्लान जो बनाया है वो कितना ज़्यादा फॉलो हो रहा है, प्लस उसे फॉलो करने पे क्या क्या एक्सीडेंट्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ गई, इंस्पेक्शन के अंदर आ गई। हमने इंस्पेक्शन किया, हमें सारी चीज़ें पता चली इंस्पेक्शन के बाद के जो भी हमने SOP बनाई थी एक्सकवेशन के लिए वो प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं, हैजार्ड्स उसमें ज़्यादा फेस करने आ रहे हैं या कम फेस करने आ रहे हैं उसके बारे में पता चला, कितने लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है रोज़ का। अगर हम वंस इन अ डे अगर हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, प्रोग्राम पूरा चेक कर रहे हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद जो आप देख रहे हैं इसे क्या कर रखा है, ने सोरिंग कर रखी है, जिससे कि जो भी काम आप करना चाह रहे हैं वो प्रॉपर वे में हो सके, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा क्लोज और ज़्यादा डीप अंडरमाइन हमें सोरिंग नहीं करनी है, एक्सकवेशन सोरिंग नहीं करनी है, ठीक है। हम सोरिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो काम है वो ईजीली हम कर पाएँ, ठीक है। हम इसलिए नहीं कर रहे कि और ज़्यादा प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़े, ठीक है। हमने सोरिंग की क्यों की, ताकि हमने जो एक्सकवेशन वहाँ किया है, जो हमने अपने काम करने के लिए जो गड्ढा बनाया है उसमें दोबारा से कुछ और फिल ना हो जाए, या दोबारा से वही मिट्टी जो है वो वापस उसके अंदर ना आ जाए, या वो थोड़ा सा क्या होता है ये जो मतलब जितना हमने ब्रॉड उसे किया है वो उसकी जो वृत्त है वो और कम हो जाए, क्योंकि जो मिट्टी है वो तो खिसक खिसक के आ जाएगी ना, तो जितना हमने उसको काम के लिए एबल बनाया उतना वो नहीं रहेगा। तो इसीलिए सोरिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब जब भी हम बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, तो उसके लिए तो फाउंडेशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके एजेस जो है, जब हमने एक्सकवेशन किया तो हमने फाउंडेशन भी किया उसमें, है ना। तो मतलब जितना स्ट्रॉन्गर हम उसके नींव को बनाएंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारी बिल्डिंग भी रहेगी। तो यही हमें इसमें देखना है कि जो भी हम कर रहे हैं वो हमारा इतना स्ट्रॉन्ग रहे कि जो हमारी बिल्डिंग है उसको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारी चीज़ें हम कब चेक कर सकते हैं, जब हम रोज़ डेली इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन में ये सारी चीज़ें हमें पता लग जाएंगी कि हमारे यहाँ जो वर्क हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है और वो प्रॉपर वे में हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो इंस्पेक्शन करना, देखिए हर वर्क का इंस्पेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इंस्पेक्शन जो है वो डेली बेसिस पे इसलिए किया जाता है कि ताकि हमें डेली रिकॉर्ड कीपिंग हम कर पाएँ, ठीक है। अब एक्सकवेशन वर्क तो चल रहा है, आपने रोज़ मेंटेन नहीं किया अपना, मान लीजिए इन केस आपने नहीं कर पाया किसी रीज़न से, तो जो उस दिन होने वाले एक्टिविटीज़ में जो हैजार्ड्स आए, जो देखे गए, वो कैसे पता लगेगा। तो इसीलिए ये रूल है कि आप डेली बेसिस पे इंस्पेक्शन करें और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके सामने लाएं कि ये चीज़ें फेस करने को आई हैं और हम इन्हें कैसे आगे रोक सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इंस्पेक्शन का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें एक्सकवेशन में। ऐसा नहीं है कि मतलब कि हमने इंस्पेक्शन किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। तो अगर हम ऐसा करते हैं रोज डेली के डेली नहीं इंस्पेक्शन करते हैं तो आगे चल के प्रॉब्लम जो है वो हमें ही फेस करनी होगी, क्योंकि
पूरा स्टार्टिंग वर्क एक्सकवेशन बेसिस पे ही हो रहा है, और जब हमारा वर्क आगे बढ़ जाता है और एक्सकवेशन में कोई दिक्कत आती है तो सारा काम ही ख़राब हो जाएगा। तो पहले से ही हमें इस चीज़ के लिए अवेयर रहना होगा और हमें जो वर्क कर रहे हैं वो प्रॉपर वे में करना होगा, ठीक है। तो इंस्पेक्शन के लिए इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि डेली टू डेली अपडेट ये सारी चीज़ें रहें तो हम आगे इस तरीके के या किसी भी तरीके के एक्सीडेंट में नहीं फंस सकते, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको इंस्पेक्शन के बारे में बताया, जो कि एक्सकवेशन इंस्पेक्शन है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्पेक्शन है, ठीक है, जो कि वर्क के बिफोर हम स्टार्ट करते हैं और वर्क शुरू होने के बाद भी हम डेली बेसिस पे से चेकआउट करते हैं, ताकि आने वाले जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, होने वाले जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उनके बारे में हमें नॉलेज रहे, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का टॉपिक चल रहा है अभी, और इसमें हैजार्ड्स के बारे में बात चल रही है, तो मेजर एक्टिविटीज़ जो भी होती है कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, उनके बारे में बात चल रही है, ठीक है। तो एक्सकवेशन एक मेजर एक्टिविटी है उसकी, जो कि की ही जाती है, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया, उसके इंस्पेक्शन के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने पूरा आपको एक्सकवेशन समझा दिया था, और ये दो वीडियो के अलावा भी मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसमें आपको सारे ये ब्रेसिंग, सोरिंग, ट्रेसिंग, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो आप उसको कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में डाल के वो टॉपिक सर्च कर सकते हैं, तो वो आपको मिलेगा, ठीक है, वहाँ से। और बाकी ये जो है ये सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पढ़ा रही हूँ, इसलिए ये अगेन मैंने बनाया है, और इसमें इसका बेनिफिट बताया है कि एक्सकवेशन सेफ्टी में हम इंस्पेक्शन करते तो उसके क्या बेनिफिट रहते हैं, एक्सकवेशन में हजार्ड क्या रहते हैं, तो ये अलग टॉपिक है। बाकी आपको बाकी और डीप में जानना है तो आप पहले वाले वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आज इंस्पेक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया, कि इंस्पेक्शन में क्या करना है, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं रहती हैं, हमने जो देखा है हमको सिर्फ वही चीज़ें नोट करनी है, हमें वही सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो भी एक्सीडेंट हुए हैं किस रीज़न से हुए हैं और हम उसके लिए क्या क्या सेफ्टी रख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।